أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, our today's topic is why do we need an independent judiciary? हमें आजाद अदलिया की जरूरत क्यों है? The success of a working democracy is dependent on independent judiciary. जमहूरी निजाम चलाने की कामयाबी का दारोमदार आजाद अदलिया पर मुनसिर है. हमें आजाद अदलिया की जरूरत है. पहले हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी में आजाद जुडिशरी में डिवीजन ऑफ पावर्स इख्तियारात की तकसीम होती है दो तरह की. वन यहां पे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस ऑन फंक्शनल बेसिस. ज्योग्राफिकल बेसिस पर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस. और फंक्शनल बेसिस पे डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीन इदारा जाते हैं. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इख्तियार तकसीम होते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, Why do we need an independent judiciary? हमें आजाद जुडिशरी की क्यों जरूरत है? जुडिशरी की आजादी की क्या जरूरत है? जुडिशरी की आजादी की जरूरत हम इन बुनियादों पर समझ सकते हैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी का काम है आईन लागू करना, और आईन को लागू करने के लिए जरूरी बात है जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट विदाउट एनी प्रेशर, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लागू किया जाए. आईन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में सुप्रीम दस्तावेज है. हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे इसी से इख्तियारात हासिल कर लेते हैं. यह जरूरी बात है कि इख्तलाफात हुकूमत के मुख्तलिफ इदाराजात में पैदा होते हैं. कानून को लागू करना और इख्तलाफात के खात्मे की खातिर एक आजाद और गैर जानिबदार मशीनरी जरूरी है. एक काम जुडिशरी अंजाम देती है. नंबर टू, टू स्ट्रेंथन फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी. हिंदुस्तान की सियासत का फेडरल निजाम मजबूत करना. आजादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान ने फेडरल तर्ज हुकूमत इख्तियार किया. इख्तियारात का तकसीम मार्कज और स्टेट्स के दरमियान किया गया है. उसे मार्कज और स्टेट्स के दरमियान इख्तलाफ पैदा होना तो यकीनी बात थी कि इख्तियारात मार्कज और स्टेट्स के दरमियान आईनी तौर तकसीम है. गलतफहमी पैदा होना या दूसरे अकसाम के इख्तलाफ ऐसी सूरत हाल में पैदा हो सकते हैं या होते रहते हैं. जुडिशरी उन इख्तलाफात को आईन लागू करने से खत्म कर लेती है. इस तरह जुडिशरी हिंदुस्तान की सियासत के फेडरल तर्ज अमल को तहफुज फराहम करती है. नाउ द थर्ड ग्राफ, पॉइंट नंबर थ्री, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है जुडिशरी. हिंदुस्तान के आईन में पार्ट थर्ड में
एंड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बुनियादी हुकूक की फराहमी शहरियों की खातिर, उन बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज़ जरूरी है ताकि शहरियों को यह महसूस हो कि उन्हें जो हुकूक हासिल हैं उनको किसी ने नहीं छीन लिया है। ऐसी सूरत में, छीनने की सूरत में, वो मुनासिब इख्तियार रखने वाले इदारे के पास जा सकते हैं और हुकूक को बहाल कराएं। ये काम जुडिशरी अंजाम देती है। वो इदारा जुडिशरी का इदारा है जो बुनियादी हुकूक के मुहाफिज के तौर पर काम करती है और उन्हें किसी इदारे या ऑफिसर के नाजायज कब्जे से बचा दे। द नीड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ, टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी। डियर स्टूडेंट्स, गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना और उस यकीनी बनाने की खातिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी। जुडिशरी की आजादी उसकी गैर जानिबदारी की खातिर जरूरी है। उसके जजेस आजादाना माहौल में बगैर खौफ के आसान तरीके से काम काज अंजाम दे सकते हैं, तभी जब जुडिशरी आजाद, उसे जल्दी और मुनासिब इंसाफ भी मिल सकता है। बस ये सिर्फ जुडिशरी ही है जो शहरियों के बुनियादी हुकूक को तहफ्फुज़ फराहम करती है जो उनको आईन के रूप से हासिल। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी। जो हमने यहां पे चार बुनियादी बातों पे बात की है, व्हाई फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंशाल्लाह वेट एंड वॉच, that is provisions that ensure independence of judiciary. Assalamu alaikum.